यस वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इमानशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. तो डिस्कस क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. पेडागॉजी अभ्यास की सीरीज चल रही है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ करने वाले हैं. ठीक, हर दिन एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस के बीच में 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट करेंगे. चलिए आ जाइए फटाफट से और फिर आगे की बात करेंगे. ठीक, पढ़ाई आप कर रहे होंगे अपनी कॉन्टिन्यूसली, थोड़ा बहुत ब्रेक बीच में आ जाता है, बट कोशिश पूरी ऐसी ही है कि मंडे टू फ्राइडे ले पाएँ, है ना. अभी कुछ काम निपट गए हैं तो पढ़ाई वापस से करते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ये सेशन आपको पसंद आए, कहीं पे हेल्प करे, है ना, या कुछ भी आपको सीखने को मिले. ये जो PDF हैं या सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड पर मिल जाएंगी. फेक चैनल्स बहुत सारे बने हुए हैं तो ध्यान से ज्वाइन कीजिएगा. 518,000 या 14,000 के समथिंग हम लोग वहाँ हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा एक बार, थोड़े नए ज़माने के क्वेश्चंस हैं जो पैटर्न चेंज हो करके क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल. ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, पढ़िए फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 1 में एक है अजर्शन, यानी स्टेटमेंट कह देते हैं इनको, हम स्टेटमेंट और रीज़न वाले क्वेश्चन कहते हैं. एक तरफ ए फॉर अजर्शन और रीज़न, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक अजर्शन दिया हुआ है, एक अभी कथन दिया हुआ है और उसके नीचे रीज़न. रीज़न क्या है वो आपको बताना है. सॉरी, फ़ोन हटा लो वहाँ से, वॉइस में वो हो सकता है, साइड में रखो जी. देखिए एक बार, अगर हम बात करें बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज. दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इन्फॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट. यानी कि जब टीचर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाए तो वो रिव्यू कर ले जो बहुत ही ज़रूरी या पूर्व अपेक्षित प्री रिक्वेस्टेड जो ज़रूरी है कि किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए. एटलीस्ट अगर डेवलपमेंट के बाद आपको इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि डेवलपमेंट क्या है. तो वो जानना एक टीचर का कुछ भी नया पढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि इससे पहले की जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो बच्चों को है कि नहीं है. इससे क्या होगा, टू माइंड द इन्फॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट, कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन अगर होगी पहले से जो नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है. स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं ना हम, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड होती है, बिल्ड ऑन होती है एक चीज़ पे. ठीक है बात. फिर आता है रीज़न. इसका रीज़न क्या है, कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, कि अगर बच्चे कुछ अनअपेक्षित व्यवहार करें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी उनको मुर्गा मुर्गी डंडा ये सब पिटाई विटाई नहीं होनी चाहिए. दोनों बातें कहीं की है ना, एक कहीं की कह रहा है, दूसरी बात कहीं और की चल रही है. मतलब रीज़न जो है इस चीज़ का, देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है, एक बार दिखाओ. हाँ, तो अगर हम बात करें 52% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन. यही हमारी गलती है कि जब हम प्रॉपर पढ़ते नहीं है चीज़ों को, है ना, आते हुए भी क्वेश्चन गलत करेंगे अगर आप. सिर्फ 26% लोग आंसर सही दे रहे हैं जो कि बी है. देखते हैं एक बार, बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखो ये यहां से गलत हो गया, यहां तक ये ठीक था कि अपनी जगह पे ए की भी बात ठीक है और आर की भी बात ठीक है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. दैट मींस करेक्ट रीजन नहीं है. स्टेटमेंट ऊपर है, रीजन नीचे है. पूछा है कि इस स्टेटमेंट का ये रीजन हो सकता है कि नहीं. तो स्टेटमेंट क्या था कि बच्चे को पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, इस चीज को आप टेस्ट कर लीजिए. दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट मत दो बच्चे को अगर वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करे तो. दोनों बातें अलग कहानियां गा रही हैं. जो स्टेटमेंट ए है, अजर्शन है, उसके बारे में नहीं बताया. रीजन जो है ये ए का रीजन नहीं कि इसलिए नॉलेज को चेक करो, ऐसा तो बताया ही नहीं है कुछ. दैट मीन्स गड़बड़ हो गई और आंसर आपने गलत कर दिया. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये बात सही है कि अपनी अपनी जगह पे जो अजर्शन है वो बात भी सही है और रीजन की भी बात सही है कि बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जो रीजन है ए का वो सही नहीं है. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए को एक्सप्लेन नहीं करता आर. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे आंसर्स गलत होते रहेंगे. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है, दोनों ही बातें सही है, बट आर जो है वो सही स्टेटमेंट नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर ए. ये हमें ध्यान में रखना है. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि ए. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. एनी पेडागॉजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड अमोंग डैश अमोंग स्टूडेंट्स. यानी कोई भी अध्यापन, कोई भी पेडागॉजी, कोई भी शिक्षण शास्त्र जो विषय वस्तु को ही अपने आप में अंत मानता है, कि विषय वस्तु सब कुछ है, है ना. विषय वस्तु का मतलब क्या है, कॉन्टेंट, सिलेबस, करिकुलम, जो भी आपने प्रेजेंट कर दिया वही सब कुछ है अपने आप में, वही सर्वोसर्वा है, अंत मान लिया आपने, वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है. क्या पैदा होगा ऐसी पेडागॉजी से, अगर हम ये कहें कि यही सिलेबस है, यही एक किताब है, इसी को पढ़ना है, इसी में से सब कुछ आएगा और कुछ आपको ना जानना है ना कोई एक्टिविटी करनी है. दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, बच्चों के
एक्सप्लोरेशन को हम मार दे रहे हैं. एप्रिसिएशन फॉर मास्टरी, मास्टरी का मतलब होता है महारत हासिल करना, परिपक्वता या कह लीजिए एक तरह से पारंगतता हासिल करना. पारंगत कहाँ से बनेगा यदि आपने सिर्फ एक किताब तक सीमित कर दिया. आप तो कहिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया, अब आपका जितना मन करे इंटरनेट से सीखो, जितना मन करे किसी रेडियो से सीखो, किसी और प्रोग्राम से सीखो, 70 जगह से सीखो. तो मास्टरी कोई अप्रिशिएट नहीं करता. अगर मास्टरी को अप्रिशिएट करता तो सिलेबस को एंड इन इटसेल्फ नहीं कहा होता. 46% आंसर सही आ रहे हैं जो कि है डी. आएंगे अभी डिजायर फॉर इनोवेशन. इनोवेशन की डिजायर के लिए तो आप एक्सप्लोरेशन को ओपन छोड़ते हैं. ये नहीं कहते सब्जेक्ट मैटर ही सब कुछ है ना. सब्जेक्ट मैटर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मैनी रिसोर्सेज, कई सारे रिसोर्सेज, कई सारे संसाधनों का के बीच एक हिस्सा है सब्जेक्ट मैटर या एक बुक या फिर सिलेबस. नहीं तो संसाधन तो अनलिमिटेड है. ऐसा थोड़ी दुनिया में जिन्होंने सीखा है वो सिर्फ बुक से ही सीख रहे हैं, वो सिर्फ स्कूल से ही सीख रहे हैं, वो सिर्फ क्लासरूम से ही सीख रहे हैं. पता नहीं कहां कहां से हम सीखते हैं, हर जगह से हम सीखते हैं. ठीक है, मोटिवेशन टू लर्न, इन सबको तो किल करेगी ये चीज. तो अन्वेषण के लिए प्रतिरोध बनेगा यानी रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर. यदि हम ऐसी पेडागॉजी को, ऐसे थॉट को मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ही सब कुछ है अपने आप में, तो हम क्या करेंगे बच्चे के साथ, स्टूडेंट्स के बीच क्या पैदा हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर. यानी वो अन्वेषण करना ही नहीं चाहेंगे, एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहेंगे, सर्च करना ही नहीं चाहेंगे खुद से. उनको पता है बस ये किताब पढ़नी है, इसमें से पेपर आ जाएगा, बात खत्म. वो खुद से एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहेंगे. खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो बेहतर सीखेंगे नहीं, जिंदगी भर रट्टू तोते बन जाएंगे. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए ना, हमारी मैडम ने इन्हीं शब्दों में लिखवाया था, इन्हीं में रिपीट करना है. अपने तरीके से भी तो एक्सप्रेस कर सकते हो आप सेम बात को. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है फिर से अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे. अजर्शन यानी स्टेटमेंट है एक, स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरिएशंस लर्निंग स्ट्रेटजीज. यानी बच्चों को सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी वो खुद को रेगुलेट कर सकें, जहां पे उनको पता हो कि कहां कब कैसे कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी को, अधिगम तकनीक को यूज करना है, कहां हमें किस तरह से समझना है, कहां नोट्स बनाने हैं, कहां कैसे समझना है, कौन से एग्जांपल्स यूज करने हैं, किस जगह से पढ़ना है. ठीक है, रीजन क्या है इस चीज का कि बच्चे को लर्निंग स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए. रीजन दिया हुआ है, अ लर्निंग स्ट्रेटजी इज मोर लाइकली टू बी मेंटेन्ड एंड एम्प्लॉयड इफ स्टूडेंट्स नो व्हेन वेयर एंड व्हाई टू यूज इट. मतलब कि लर्निंग स्ट्रेटजी कब काम की है या बेहतर कब हो पाएगी, जब बच्चों को ये पता हो कि उसको कहां कैसे कब यूज करना है और क्यों यूज करना है. भाई वेज जो हैं, आपको सारे टूल्स पता हो. ऐसा थोड़ी है फिर आप बाइक के टूल को घर में यूज कर देंगे कहीं भी कुछ और करने में, अगर हो सकता होगा तभी करेंगे. तो पता तो होने चाहिए बच्चे को. कुल मिला के दोनों बातें सही है, ए भी सही है और आर इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों पता होने चाहिए, इसी के बारे में बात हो रही है. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, आर 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 नहीं है, ए एन आर है. ठीक है, चले आगे बढ़े. 137 है, बहुत बढ़िया. अभी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, मेल आए हुए हैं यूपी टेट में, एक दो इंटरव्यू करेंगे, डोंट वरी. है ना, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी कुछ चीजों में. ऐसा नहीं है ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऐसा नहीं है, आर करेक्ट है, फॉल्स तो है ही नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. विच, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, अजर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी. कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब आपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझा है, क्वेश्चन को ठीक से समझा है एटलीस्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेटा कॉग्निटिव स्किल. मेटा कॉग्निटिव स्किल बोले तो अधिसंज्ञानात्मक या परासंज्ञानात्मक कौशल, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नॉलेज अबाउट नॉलेज, यानी एक लेवल और आगे है ये कॉग्निशन से. ठीक है जी, ठीक. कोई कह रहा है मैम गाँव में गेहूं कट रहे हैं. अच्छा काट रहे हो, हाँ बिल्कुल कट रहे होंगे, अप्रैल चल रहा है और हमने काटे हैं गेहूं, अच्छे से बताया हमें. ठीक, चलो खैर आ दो. अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेटा कॉग्निटिव स्किल, बहुत ही इंजॉयबल प्रोसेस हो जाती है कई बार. सीटेट कब होगा यार? सीटेट मेरे ख्याल में जुलाई या दिसंबर में होना चाहिए, कायदे में जुलाई में होना चाहिए, क्योंकि सीटेट की वेबसाइट बड़ी सुंदर सी बना दी गई है, इन्होंने काम तो ही कर रहे हैं इसका मतलब. ठीक है, अब देखना कई लोग कहेंगे ये कौन सा रीजन है कि सीटेट की वेबसाइट सुंदर बन गई है. देखो सीटेट की वेबसाइट जब भी अपडेट होती है या कुछ भी काम चलता है, दैट मींस कुछ तो नया होने वाला है. ठीक, देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ, इसका मतलब ये नहीं 100% हो जाएगा जुलाई में, हो सकता है काम कर रहे हो, मे बी नया सिलेबस डेवलप कर रहे हो.
ठीक, तो मेटा कॉग्निटिव स्किल की अगर हम बात करें तो कौन सा एक एग्जाम्पल है जिसमें ज्यादा दिमाग लगेगा? मेटा कॉग्निटिव से याद रखना ज्यादा मेंटल स्किल्स जिसमें यूज होंगी। ठीक, इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, यानी आप जो है इवेल्युएट कर रहे हैं किसी चीज को, किसी समस्या को सॉल्व करते समय, यानी आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करेंगे, अगर कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, किसी का जजमेंट निकाल रहे हैं, किसी को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप उस पर नेक्स्ट लेवल थॉट लगाएंगे। बात तो ठीक है, क्योंकि इवेल्युएशन में सब कुछ लग जाएगा एक तरह से। अगर हम बात करें पुरानी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की, तो हम देख सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नॉलेज का, या अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन का, इवेल्युएटिंग था। दैट मीन्स इसमें अच्छी खासी मेंटल स्किल्स लगेंगी। आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स, ये बहुत ईजी है, जस्ट क्लासीफाई करना है आपको, वर्गीकृत करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दो पिक्चर्स के बीच में, क्या अंतर क्या है। इसमें कोई बहुत बड़ी मेंटल स्किल नहीं लगने वाली, सिर्फ एनालिसिस लगेगा और कुछ भी नहीं। नोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला या सूत्र जानना, दैट मीन्स एक सिंपल प्रोसेस हो गई। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कोई बहुत अलग दुनिया से दिमाग लगा दिया, आप कोई बना तो देंगे नहीं मीथेन का फॉर्मूला, कि आपने अलग से बनाया हो, इन्वेंट किया हो तो हम मानते भी हैं। फिर आता है डी ऑप्शन, रिकॉलिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी। अगर आप किसी डायनेस्टी के, यानी किसी राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को जान रहे हैं कि पहले भाई मान लीजिए अकबर थे, बाबर थे, ये थे, वो थे, पहले कौन था, बाद में कौन था, इसमें रिकॉलिंग लग रही है, रिमेम्बरिंग लग रही है, नॉलेज लग रही है, ना कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मेंटल स्किल लग रही है ना। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर, जो कि आप कह भी रहे हैं 86% लोग, इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि आप जब आकलन की प्रक्रिया का यूज करते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, खुद को चार बार इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा ऐसा सोचा मैंने तो ये सही हो सकता है कि नहीं, अच्छा इसको ऐसे अप्लाई करूं तो इसका ये रेपरकशन हो सकता है, ये इसके पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, दैट मीन्स आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, है ना, ये कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, A teacher intends to facilitate procedural knowledge among her students. Which of the following question is appropriate for this purpose? यानी teacher का intention क्या है? वो क्या जानना चाहती हैं? वो चाहती हैं procedural knowledge को जानना। Procedural knowledge हम कहते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी किसी चीज़ का procedure जानना। कि मान लीजिए एक operation होगा, तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एक प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। या आप मान लीजिए पासपोर्ट भी बनवाने जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या, एक प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल नॉलेज को फैसिलिटेट करना, यानी प्रोसीजरल नॉलेज बच्चे की बेहतर हो, ऐसा एक शिक्षिका या शिक्षक चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा एक क्वेश्चन जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। यानी अगर आप एज अ टीचर ये चाहते हैं कि बच्चे की प्रोसीजरल नॉलेज बेहतर हो, वो किसी प्रक्रिया को बेहतर से जाने या बेहतर से अप्लाई करे, तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? चार क्वेश्चंस यहां दिए हुए हैं, ठीक है। शायरियां मत लिखो, पढ़ लो चुपचाप, हम तो बिना क्वेश्चन देखे आंसर दे देते हैं। बहुत बढ़िया सुनिए, आपका भविष्य इतना ब्राइट है जिसकी हद नहीं है, आपकी वजह से मेरा सीटेट क्लियर हुआ, थैंक्स मैम। बस पढ़ाई करो अब तो जम के, अब तो बहुत थैंक यू खेल लिए नितिन, बहुत धन्यवाद आ गए आपके बहुत सारे, मुझे अच्छा लगता है ये सब देख करके। वीरेंद्र थैंक यू, आज मैंने आपकी पहली बार लाइव क्लास ली, अरे बहुत बढ़िया अंशु, हम धन्य हो गए आप आई बाहर आई ना। चलो आ जाओ, देखो एक बार, हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, कैसे हल करें, ध्यान रखिए कैसे हल करें, हाउ टू डू समथिंग, दैट मींस प्रोसीजर क्या है, ठीक। फिर भी चलते हैं बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो वन वर्ड में आंसर हो जाएगा, रिकॉल बेस्ड, इसमें प्रोसीजर जैसा कुछ नहीं है, सीधा आप बता दोगे कि ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक, इसमें कहां प्रोसीजर है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, वन वर्ड आंसर दे दोगे, काम ही खत्म हो जाएगा, इसमें कौन सा प्रोसीजर लग गया, कौन से स्टेप्स लग गए इसमें। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम, भाई राष्ट्रगान किसने लिखा है, बताओ किसने लिखा है, आंख बंद करके जवाब दे दोगे, बात खत्म। हाँ जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, शौर्य सिंह भी आंसर कर रहे हैं, इनको एक नंबर दिलाएंगे हम। खैर देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, दैट मीन्स स्टेप्स होंगे, दैट मीन्स प्रोसीजर होगा, दैट मीन्स एक प्रोसेस है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, ऐसे होगा। तो एक प्रोसीजरल नॉलेज को बेटर करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, के हाउ टू सॉल्व समथिंग, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, देखो दो प्रकार की लर्निंग होती है, एक होती है रोट लर्निंग, रट्टा लगा लो बस सीधा सीधा याद कर लो, है ना, एक क्वेश्चन देखा उसका आंसर याद कर लिया, अगली बार से फिर रिपीट कर लिया।
मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, हम एक एक ऑप्शन को समझ रहे हैं, हम उसके अंदर समझ रहे हैं क्या कहना क्या चाहते हो आखिर, है ना, फिर ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, तो ये मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं हम मेरे अनुसार, या आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा थोड़ा बहुत। तो मीनिंगफुल लर्निंग की अगर हम बात करें, आप चाहते हैं कि शिक्षार्थी जो है वो अर्थपूर्ण ढंग से सीखें, तो टीचर को करना क्या चाहिए ये पूछा है। मैं थोड़ी सी वीकनेस है, ए ऑप्शन देखो, एम्फसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट, के रट्टा लगवा दो टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट का, जो किताब में दिया हुआ है उसको रट लो घोल के पी जाओ कहते हैं ना कई लोग, तो ये वही वाला सीन है कि रटने की बात कर रहे हैं। तो देखो, रट करके तो किसी ने भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं की, अर्थपूर्ण अधिगम रटने के जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसके आसपास भी नहीं होता। अर्थपूर्ण कब होगा, रटंत विद्या चलंत नहीं, ऐसा कहा जाता है ना कि रटने से काम चलेगा नहीं, ठीक है, तो रटी हुई विद्या काम भी नहीं आएगी। बी ऑप्शन है एम्प्लॉय, हालांकि हमारे जो एग्जाम के सिस्टम्स हैं बहुत सारे वो ऐसे ही बन गए कि जो ज्यादा बेहतर रट लेगा वो बेहतर नंबर ले आएगा। एम्प्लॉय स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टू कंडीशन बिहेवियर, हमेशा ऐसा नहीं होता, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टू कंडीशन बिहेवियर, कंडीशनिंग करा दो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ करके, ये मीनिंगफुल नहीं होगा, ये भी रटने जैसा ही है, ये भी रोट ही है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई, जैसे आपसे पूछेंगे टू टू जा फोर, आया कैसे पता नहीं, तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स जैसा हो गया। फ्रिक्वेंटली यूज टेंजिबल रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ रिवॉर्ड्स के बेसिस पे मोटिवेट करेंगे कि फर्स्ट आ जाओ आईफोन देंगे, फर्स्ट आ जाओ साइकिल देंगे, फर्स्ट आ जाओ फलाना देंगे, फर्स्ट आ जाओ देश ही दे देंगे, ये क्या होगा, बच्चे के अंदर से उस चीज को सच में सीखने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वो जस्ट रिवॉर्ड्स के लिए काम करेगा, है ना। जब आप रिवॉर्ड हटा देंगे तो उसकी मोटिवेशन खत्म, तो फिर हम कभी खुश होकर काम ही नहीं कर पाएंगे, हमेशा हमें कुछ चाहिए होगा हर चीज से। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, ये है बेस्ट ऑप्शन, जो कि आप लोग 72% लोग दे भी पा रहे हैं कि अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, जो भी आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं मान लीजिए, उस पर आप क्या कह रहे हैं, भाई सोचो इसके बारे में, रिफ्लेक्ट करो आपको कैसा फील हुआ था जब आप कहीं घूमने गए थे, रिफ्लेक्ट करो जब आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया था तो कैसा महसूस हुआ था, कि आप चाहते हैं आप भी किसी के साथ ऐसा करें, मतलब आप अवसर दे रहे हैं बच्चे को सोचने के, उसके दिमाग को इस्तेमाल करने के और अपने अनुभवों पर रिफ्लेक्ट करने के। क्या होगा, ऐसे में जो भी लर्निंग होगी, जो भी सीखेगा जिंदगी भर भूलेगा नहीं, और रियल लाइफ से जुड़ जाएगी लर्निंग, है ना, रियल होगी, अर्थपूर्ण होगी, मीनिंगफुल होगी, रोट नहीं होगी, और हमें मीनिंगफुल लर्निंग ही करानी है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू स्पीक हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ व्हेन ही वाज समवॉट स्टक इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम, सून इनफ आफ्टर डूइंग सो स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्स आई नो द आंसर नाउ, Which problem solving strategy has helped the student in this case? मतलब क्या है कि एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया, उसको कहा कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा बताओ प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी थी, बच्चा फंस गया, वो जवाब नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो शिक्षक ने या शिक्षिका ने क्या कहा, एक काम करो अपने आप से बात करो कि प्याजे ने कौन सी स्टेज दी थी, किस स्टेज में क्या बात की थी। अब खुद से जब बात करने का सुझाव दिया, प्राइवेट टॉक करने का सुझाव दिया एक तरह से, तो क्या हुआ, बच्चे को अचानक से याद आ गया, जब वो सोच रहा था अच्छा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ये होता था, प्री ऑपरेशनल में ये होता था, सेंसरी में ये होता था, फॉर्मल में ये होता था, अरे चार स्टेजेस हैं प्याजे की, तो मैं कह रही हूँ प्यार की, है ना। देखो एक बार अगर हम बात करें प्याजे की स्टेजेस की, तो प्याजे की चार स्टेजेस हैं, ये याद आ गया उसको खुद से बात करते हुए, जो वो पहले याद नहीं कर पा रहा था। टीचर ने क्या किया, एक तो हेल्प कर दी उसकी, स्कैप फोल्डिंग दे दी, ठीक। अगर हम बात करें पूछा क्या है, विच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हैज हेल्प द स्टूडेंट इन दिस केस, कौन सी समस्या समाधान तरीका, समस्या समाधान करने का कौन सा तरीका यहाँ काम आया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, है ना, कई बार आप हेल्प कर सकते हैं, कई बार बच्चों को खुद से सोचने को कह सकते हैं। फंक्शनल फिक्सनेस कह रहे हैं 63% लोग, नहीं बी कह रहे हैं, निमोनिक्स गड़बड़ है, निमोनिक्स की तो बात ही नहीं हुई। निमोनिक क्या होते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे सिगमंड फ्राइड की स्टेजेस बताओ, तो आपको निमोनिक बता दिया जाए, आप मुझे बताओ ओ एपी, ओ अमरपाल, एलजी टीवी लेके आओ, ये हमने याद किया हुआ है ऐसे, सिगमंड फ्रॉइड की पांच स्टेजेस, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। या अगर मैं बात करूं प्याजे की, तो मैंने आपको बताया हुआ है SPCF, सम पीपल कांट फोकस, ये क्या है, निमोनिक है, छोटा रूप है, जिसको आपको एक्सपेंड करेंगे तो रियल आ जाएगा। तो निमोनिक तो ये कहीं से भी नहीं है, निमोनिक तो बताया नहीं, टीचर ने कहा खुद से सोचो, निमोनिक कहां है यहां पे। फंक्शनल फिक्सनेस होता है एक ही ढंग से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नए तरीके सोच ही ना पाना किसी समस्या के समाधान के, फंक्शनल फिक्सनेस एक तरह की प्रॉब्लम है।
फिर आता है रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट भी फंक्शनल फिक्सनेस जैसा ही होता है कि आपका रिस्पॉन्स सेट हो गया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए आप वही सेम तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से सोचते नहीं है। जब आपने कभी 4 साल पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी आप उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, नया नहीं सोच पाते। मतलब आपका रिस्पॉन्स सेट हो गया, आपका फंक्शनल फिक्सनेस हो गया, आप नए तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। वर्बलाइजेशन, वर्बलाइजेशन इज द राइट वर्ड ओवर हियर, मौखिकीकरण, जो मैंने आपको करके बताया भी कि जब हम प्याजे की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा अच्छा प्याजे की ये वाली स्टेज में ये होता है, ये वाली स्टेज में ये होता है, तो मतलब 4 स्टेजेस होंगे। बच्चे ने खुद से बात की, वर्बलाइज किया, मौखिकरण किया, कितना आसान उत्तर था, आपने कर दिया सत्यानाश बिल्कुल ऑप्शन का, मतलब खुद का नहीं, ठीक, मतलब उत्तर की बैंड बजा दी आपने, इतना आसान उत्तर, और आप लगे पड़े किसमें, निमोनिक्स में, है ना। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओं, बताओ एक बार, हैं, सिर्फ 19% आंसर सही आ रहे थे, है कहीं जगह, पानी ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द, मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में हमें पसीने आ जाते हैं, ऐसी सी बात लग रही है मुझे कि जैसे ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हाथ पैर फूल जाते हैं आपके। सौरभ भाई एक ग्लास पानी ला दे यार, वीकनेस सी आ रही है। देखना एक बार, अगर हम बात करें, फ्रिज में रखी बॉटल मिक्स करके लिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, नॉर्मल पानी पिया नहीं जा रहा, उबला हुआ पानी आ रहा है, नहीं तो मैं ठंडा नहीं पीती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स, मिसकंसेप्शंस या फिर इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या होते हैं, मतलब आपने ऑल्टरनेट्स बना लिए हैं सोचने के, या बच्चे ने, है ना, उसको लगता है जब मैं चलता हूँ साथ तो मून भी मेरे साथ चलता है, हो सकता है वो साइंटिफिकली ठीक ना हो बट बच्चे ने सोचने की कोशिश की है। तो इन मिसकॉन्सेप्शंस को, इन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस को हम अच्छा मानते हैं, बुरा नहीं मानते, क्योंकि बच्चा एटलीस्ट सोच तो रहा है। पहला ऑप्शन है, कौन सी एक बात सही नहीं है, किसके बारे में, मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड के बारे में। थैंक यू सो मच सर। वीकनेस आ गया यार, हीमोग्लोबिन गायब हो गया बॉडी से। देखो एक बार, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, मिसकंसेप्शंस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये बात तो अच्छी है, आप लोग नॉट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना भाई, ये बात तो अच्छी है, ठीक बात है, तो मिसकंसेप्शंस को यूज करना चाहिए, भ्रांतियों को आप प्रयोग करना चाहिए, शिक्षक को सिखाने के लिए क्रिएटिवली यूज करना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए एग्जाम्पल्स देके या एक्टिविटी करा के, एक्सपेरिमेंट करके। मिसकंसेप्शंस कैरेक्टराइजेस द इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, कि जब बच्चा शुरुआत में किसी एक कॉन्सेप्ट को सीखता है इनिशियली तो वो गड़बड़ करता है, ये दर्शाते हैं, ठीक है बात। फिर आता है सी ऑप्शन, जो 45% लोग सही कह रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनेबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस। भाई बच्चे में कमी नहीं निकालनी हमें, सिस्टम में कमी निकालो, टीचर में कमी निकालो, खुद में कमी निकालो, दुनिया में कमी निकालो, बच्चे में कमी अगर पेडागोजी में निकालोगे तो एक नंबर चला जाएगा, और वैसे भी वो ठीक चीज नहीं है, वो भी सही अप्रोच नहीं है एक अच्छे शिक्षक की या शिक्षिका की, ठीक। तो भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है, मतलब अगर मिसकंसेप्शन हो गया बच्चे को या आपको भी, दैट मीन्स कि आप में सीखने की क्षमता ही नहीं है, ये मान लेना चाहिए। ये कैसी सी बात हुई, है ना, मतलब आप बजाय कि उसको सही करने के या सही सीखने के, गलतियां कौन नहीं करता, गलती करके ही सीखा जाएगा, एक गलतियां प्रोसेस है सीखने में, है ना, हिस्सा है एक, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दर्शा रहे कि बच्चा सीख ही नहीं सकता इसलिए मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है। कई बार अनलर्निंग करनी पड़ती है, कहा जाता है ना अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर में बहुत जगह पर पूछ लिया जाता है। अनलर्निंग, जो लोग बैचेस में नहीं है वैसे भी सीख लो, अनलर्निंग इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, या फिर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, इज ऑल्सो अ, दिख रहा है ना यहां तक, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अनलर्निंग का मतलब हुआ कि या तो आप पुराना भूलेंगे या फिर करेक्ट करेंगे पुराने को, ऐसा थोड़ी होता है जो आपने सीख लिया एक बार वो कभी चेंज नहीं होगा। तो अनलर्निंग का मतलब क्या है, अनलर्निंग का सिंपल मतलब है कि जो आपने पहले से सीखा है आप उसको या तो अनलर्न करेंगे, यानी या तो भूलेंगे, फॉरगेट करेंगे, या फिर करेक्ट करेंगे, है ना, कि वो या तो सही नहीं है या तो वो आउटडेटेड हो चुका है, इधर रॉन्ग और आउटडेटेड, ठीक है। प्रतिष्ठा मिश्रा क्या कह रही है, मैम आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट इन मैनी वेज बट आई कुडंट, आई एम फ्रॉम ओडिशा, आई हैव क्लियर बोथ सीटेड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच मैम, रियली थैंक यू, बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा, मेल कर दो यार, कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। क्या नाम है आपका, प्रतिशा, प्रतिशा मिश्रा, बहुत अच्छा लगा, है ना, आपने इतना खर्चा किया ये बताने के लिए, थैंक यू सो मच,
बताइए एक बार। देखिए अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी भूलना या फिर ठीक करना भी सीखने का ही हिस्सा है। तो सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा एक बार। हाँ चले, देखिए एक बार, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, मिसकॉन्सेप्शंस रिप्रेजेंट चिल्ड्रंस इंट्यूशंस अबाउट द प्रोसेस दे ऑब्जर्व अराउंड देम। भाई मिसकॉन्सेप्शन से ये पता चलता है कि बच्चे जो अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हैं वो उनकी इंट्यूशन क्या है कुछ चीजों के बारे में, और क्या वो ऑब्जर्व करते हैं उसी हिसाब से वो चीजें बना लेते हैं, है ना। भाई उन्होंने मान लीजिए अगर ये देखा है कि मदर डेयरी से दूध आ रहा है, तो उनको लगता है कि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे उन्होंने आंसर कर दिया। बेशक उनको ये ना पता हो कि भाई जो गाय है या भैंस है वहां से दूध आता है, दूध बनता कैसे है, ठीक है। तो ये बेसिक बात है एक तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में, है ना। चले आगे बढ़े, तो सी ऑप्शन ही सही है इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट लर्निंग, यानी कौन सा एक संवेग जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा लर्निंग को, यानी हेल्प करेगा लर्निंग में, या मददगार या फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। कौन सा एक इमोशन हेल्प करेगा लर्निंग में, बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है एंग्जाइटी। भाई अगर आप एंग्शियस हैं, चिंता में हैं, तो ये तो बाधा बनेगा लर्निंग में, ये हेल्प नहीं करता। एंग्जाइटी जिनमें आप में से जिन लोगों को कभी हुई होगी उनको पता है, बैंड बज जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से हेल्प करेगा, ये फ्रूटफुल थोड़ी है, पॉजिटिव थोड़ी है ये। बेशक आप इसको कैसे भी मोटिवेशन की तरह लो, बट हेल्पफुल थोड़ी है। बोर्डम बोरियत है तो सीखोगे कैसे, पॉजिटिव कहाँ हुआ नेगेटिव हो गया। तो एंग्जाइटी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, बोरियत भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, और भय यानी फियर, अगर आप डर में सीखोगे तो अच्छा थोड़ी सीख पाओगे, बजाय कि आप एक्साइटमेंट में होप में सीखोगे। तो होप यानी कि उम्मीद, आशा, अगर आप होपफुल हैं कि भाई अगर मैं ठीक से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी लर्निंग पॉजिटिव होगी, आप बेहतर सीख पाएंगे, बजाय कि आप पहले से ये मान के बैठे अरे मेरा कहाँ से होगा, इतने लोगों का तो होता नहीं है, है ना। बट अगर आप ये मानेंगे यार इंसानों का ही होता है, सही तरीके से मेहनत करने वालों का ही होता है। माय फादर यूज टू से कि बेटा नौकरी लेना पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है और आगे भी मुश्किल रहेगा, लेकिन लेने वाले पहले भी लेते थे, अभी भी लेंगे और आगे भी लेंगे। तो ये एक आशावादी थॉट हुआ, ठीक है। अबू निदल क्या कह रहे हैं, हियर मैम आई क्वालिफाइड बोथ द पेपर, 122 पहले पेपर में, 109 दूसरे में, यूपीटेट में 122, सीटेट में पहले बताई दिया, योर गाइडेंस थैंक्स मैम फॉर सच अमेजिंग टीचिंग। बहुत अच्छा लगता है अबू निदल, जिस भी फॉर्म में आप बता पाते हैं, मतलब कितनी बार मैं लाइव आती हूँ तो ये सुपर चैट की फॉर्म में बताते हैं, कितने सारे मेल आते हैं, कितने सारे मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, है ना, कितने सारे पढ़ भी लेती हूँ। तो होप क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है लर्निंग को, अगर आप होपफुल हैं, अगर आपको उम्मीद है कि हाँ मैं कामयाब होऊंगा या होंगी या एटलीस्ट कुछ तो सीखने को मिलेगा मुझे, तो आप अच्छा सीखेंगे, ठीक। सी ऑप्शन सही नहीं था, डी ही सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, इमोशंस जो हैं हमारे कॉग्निशन में या हमारी दिमागी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, या एक तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर फेलियर ऑन टास्क इज लाइकली टू मोटिवेट अ स्टूडेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स, यानी किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों से के लिए प्रेरित करने की संभावना है। यानी मान लीजिए एक बच्चा हो गया फेल, एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर, बच्चा फेल हो गया किसी भी वजह से किसी टास्क को करते समय, तो कौन सा एक ऑप्शन होगा जो उसे आगे फ्यूचर में किसी काम को बनाए रखने के लिए मोटिवेट करेगा, या मैं कहूं कि अभिप्रेरित करेगा कि वो आगे भी उस चीज को करे, फेल हो गया तो कोई बात नहीं, कौन सा एक ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप में से 68% लोग, देखते हैं। आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, यानी अगर जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं तो बुद्धिमान हूं ही नहीं, और बुद्धिमानता तो स्थिर होती है, मतलब हम खुद पे काम करके खुद को इंटेलिजेंट बना ही नहीं सकते, तो इस केस में क्या होगा, आप कभी सीखेंगे ही नहीं, दोबारा क्यों करना चाहेंगे, आपने तो एक बार किया फेल हो गए, फिर दोबारा आप कभी अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, खुद को मान लेंगे बेबुद्धि। फिर है बी ऑप्शन, आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। आप क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, इस बार फेल हो गए, चलो सीटेट में, डी प्लस बी में, केवीएस में, कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं था, मैंने अपना इनफ दिया ही नहीं था, ना मैंने सही से पढ़ाई की थी, सिर्फ किताबें सजा ली थी, कोर्स ले लिए थे, चार वीडियोस देख ली थी, सच में नोट्स बना करके रिवीजन करके मॉक टेस्ट देके मैंने खुद को तैयार किया ही नहीं था। बट अब क्या होगा, आप कह रहे हैं कि आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट, मैंने उतनी मेहनत ही नहीं की इस बार, ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो, लेकिन मैं
करने में सक्षम हूं, अगर मैं ठीक से मेहनत करूं तो मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो इसलिए आप दोबारा मेहनत करेंगे। ऐसा होता भी है, दुनिया में करते भी हैं लोग। ठीक, ये बात सही लग रही है, लेकिन फिर भी सी और डी को चेक करेंगे। टीचर वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी एंड आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी। यानी टीचर ही बायस्ड था, है ना, टीचर ने ही गलत पढ़ाया था। अरे इन कोचिंग वालों ने तो दुकानें खोल रखी हैं जी, आप पढ़ लो ठीक से, उनकी चलने दो दुकानें, बंद होने दो, जो करना है करो, है ना, आप ठीक से काम कर लो, हो जाएगा काम। ठीक, तो ये क्या होगा, या टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है ठीक से, तो जिनका हुआ उन्हें किसी और ने पढ़ाया था। मतलब एक क्लास में 500 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो 40 भी तो पास हुए होंगे, स्पेशली अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की बात करें। स्कूल में तो चलो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं आपने पहली बार जीवन में पढ़ना शुरू किया है, आज से पहले आप 15 साल की पढ़ाई कर चुके हैं, आज से पहले आप 12 साल की पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो होगी ये चीजें। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टीचर बायस था और मेरी कोई गलती नहीं है, और ये बात क्या है, इससे आप फ्यूचर में मेहनत करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपने अपनी फेलियर का जो श्रेय है वो किसी और को दे दिया, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूजडे एंड ट्यूजडे इज माय अनलकी डे। कोई व्यक्ति है जो ये मानता है कि ये तो एग्जाम ही ट्यूजडे को हुआ था और ट्यूजडे तो मेरे लिए बचपन से अनलकी है ना, ये तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, तो ये लॉजिकल नहीं है, ये बातें इलॉजिकल बातें हैं। तो बी ऑप्शन इज द ओनली सही उत्तर, जिसमें हमने कहा है कि कोई बात नहीं, फेल हुए तो क्या हुआ, अगली बार मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा मेहनत करेंगे और पास हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन देखिए एक बार, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास डैश डेवलपमेंट हर एक बच्चे का या इंडिविजुअल चाइल्ड का या व्यक्तिगत बच्चे का कैसे होता है, देखिए एक बार फटाफट से आंसर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है 4000 प्लस वाली बुक में सुपर टेट के क्वेश्चन नहीं है, सभी एग्जाम्स में यूजफुल है क्या? हाँ बिल्कुल है चंचल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन वो पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली सुपर टेट के लिए नहीं है वो बुक, तो आप अवॉइड कर सकते हो, या तो क्लास नोट्स ले लो या फिर प्रीवियस ईयर वगैरह से काम चलाओ, देखो एक बार, या कोई और बुक भी देख सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्यूटली, देख रहे हो, एब्सोल्यूटली यानी बिल्कुल सटीक रूप से, जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरे डेवलपमेंट के बारे में बताया जा सकता था, कोई भी व्यक्ति बता देता है ना, और एक्यूरेटली भी, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे रोबोट हो आपके पास और आपको बताए कि कितना क्या कर सकता है, चिप थोड़ी लगी हुई है पहले से, तो एक्यूरेटली नहीं बता सकते। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डेवलपमेंट को, इट कैन बी प्रिडिक्टेड बट नॉट एक्यूरेटली एंड एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का मतलब क्या हो गया, 100%, आपको पता है कि इस एज में ये ऐसे करेगी, ये करना है, इसका ये फ्यूचर होगा, तो ऐसे तो डेवलपमेंट नहीं वर्क करता। कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है एक्शंस के बेसिस पे, बट फुल्ली प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, है ना, जब तक आप सर्वज्ञ या ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट सब कुछ ना हो, सर्वज्ञाता सर्व शक्तिमान इस तरह की बातें ना हो जब तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आप सब कुछ बता देंगे, एब्सोल्यूट नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत अंतर होगा। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एट ऑल भी नहीं है, कुछ हद तक तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि इस एज में बच्चा चलने लगेगा, अगर उसका साइंस की तरफ रुझान है तो उसको साइंस बेहतर पढ़ाएं, म्यूजिक में बहुत एक्सेप्शनल है तो वो कराएं, तो कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे के विकास के बारे में, बट बहुत सभी बच्चे अलग अलग दर पे डेवलप होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि स्टेजेस या सीक्वेंस या ऑर्डर सेम होता है बट दर अलग होती है। दो सेम एज के बच्चों में भी विकास की दर विभिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है, अगर मैं कहूँ डिफरेंट हो सकती है। दो 5 साल के बच्चे हैं या दो साल के बच्चे हैं, एक बच्चा हो सकता है ज़्यादा जल्दी उसमें विकास की दर हो, वो भाषा ज़्यादा सीख पा रहा हो तेज या जल्दी चल लेता हो, दूसरा बच्चे ने थोड़ा लेट चलना सीखा, देर से बोलना सीखा, तो दर में अंतर हो सकता है स्टेज सेम होने के बावजूद भी। ठीक है, बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस एज में इतने शब्द बोलने लगेगा। इज डिसऑर्डरली एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, भाई ऑर्डरली भी होता है डेवलपमेंट और कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस या डिसऑर्डरली नहीं होता। डिसकॉन्टिन्यूअस बहुत ही कम लोग मानते हैं जो स्टेजेस की बात करते हैं, लाइक पियाजे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूं मैं, बता दो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, Which of the following statements is correct? यानी कौन सा एक statement correct है या सही है? कौन सा एक statement correct है? बताइए एक बार। Development is not sequential, यानी development क्या है? Sequential ही नहीं है, sequence में होता ही नहीं है, है ना? Development is disorderly, order ही नहीं है, कोई sequence ही नहीं है, again same बात हो गई। Development is a continuous process, हाँ सतत प्रक्रिया होती है, ये तो हमने development के principles में भी पढ़ा है।
डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है, विकास जो है संस्कृति से प्रभावित होता है, गलत हो गई ये बात, डिसऑर्डरली नहीं ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है ना कि नॉट सीक्वेंशियल। तो सिर्फ सी ऑप्शन ही सही है जो कि 94% आप लोग दे भी रहे हैं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलेगा, वूम टू टूम जाएगा, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास या कॉन्सेप्शन पीरियड से। ये वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा क्योंकि पेपर में आप कंफ्यूज वर्ड्स में होंगे। वूम टू टूम्ब चलने वाली प्रक्रिया है, यानी गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहेगी। कॉन्सेप्शन टू डेथ चलने वाली, यानी गर्भाधान से कॉन्सेप्शन टू डेथ, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। इट नेवर सीजेस टू स्टॉप या फिर इट नेवर स्टॉप्स। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है पैरों में, यहाँ वहाँ बुढ़ापा नजदीक है। देखो एक बार, तो डेवलपमेंट क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, सतत है, नेवर स्टॉप्स टू एग्जिस्ट। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, सतत प्रक्रिया, हमेशा चलती रहती है। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दो, आगे बढ़ेंगे। कल्चर का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव विकास पे पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय, यानी बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान जो है वो कैसे लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभी हम 7 क्वेश्चन और करने वाले हैं। चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज स्किल्स, यानी वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अब कौशल सीखते हैं बहुत सारे, मूल्य सीखते हैं, कस्टम्स सीखते हैं, क्या रीतियां क्या रिवाज चल रहे हैं सोसाइटी में, किसके द्वारा? नेबरहुड के द्वारा, हाँ नेबरहुड से भी सीखते हैं, रिलीजन धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, पीयर ग्रुप साथी समूह जो लगभग रफली सेम एज के लोग होते हैं, रफली ऑफ द सेम एज। पीयर ग्रुप किसको कहेंगे? साथी समूह, चाहे वो क्लासमेट हों, दोस्त हों जिनके साथ बच्चा रहता है, जो लगभग सेम एज के ही होते हैं, कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर आप उनके साथ रहेंगे तो। सारी ही बातें सही हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 67% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। एज पर जीन प्याजे, यानी जीन प्याजे के अनुसार अडेप्टेशन इन्वॉल्व टू कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज, अडेप्टेशन में दो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, यानी अनुकूलन की प्रक्रिया में दो चीज़ें समाहित हैं। अगर आपने प्याजे की वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे भी देखी है मेरी, या फिर अगर हम बात करें कोर्सेज में भी पढ़ाई की है करियर विलैप पे, तो आपको ये बात क्लियरली पता है, अडेप्टेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, है ना। इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें इक्विलिब्रेशन की, हमने कुछ प्रोसेसेस की बात की थी, इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस इसको ऐसे देख लो, इक्विलिब्रेशन संतुलन कहते हैं जिसको, इसके अंदर आती हैं दो चीज़ें, एक है अडेप्टेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। प्याजे की थ्योरी में ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टेजेस पढ़ाते हैं, बट उससे पहले की और भी कहानी है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, जैसे आप दिमाग में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक, वर्गीकृत कहेंगे कि आपने दिमाग में चीज़ों को अरेंज कर दिया, भाई ये फलाने का स्कीमा है, ये वो, आपने अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, दैट सिंपल। ऑर्गेनाइजेशन को हम डीप में कभी पढ़ते नहीं है। अडेप्टेशन की बात करें अनुकूलन की, तो इसमें दो और प्रोसेसेस हैं, एक है आपका एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, और दूसरा है एकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं जिसको हम, यानी चेंज करना और ऐड करना। जब भी बात मॉडिफिकेशन किया है, चेंज किया है, तो हम कहते हैं क्या, एकोमोडेशन है, आपको चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एसिमिलेशन क्या है, आपको कुछ नया ऐड करना पड़ेगा अपने प्रीवियस स्कीमा में। स्कीमा क्या है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपके दिमाग में जो चीज़ें स्टोर्ड हैं, जो भी पूर्व ज्ञान है। मेरे दिमाग में क्या है, प्याजे के बारे में कोई बात है, इस पेन को मैं जानती हूँ, पानी के बारे में, ये माउस है, ये मुझे पता है, दैट मीन्स ये सब मेरे स्कीमा में एडेड है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये की है, ये मुझे पता है, दैट मीन्स ये सब मेरे स्कीमा में एडेड है, ठीक। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो स्कीमा में एड जो होगा, एक होता है एडिशन, सिंपल ऐड कर लिया, दूसरा है एकोमोडेशन, जिसमें आपको कुछ चेंज करना पड़ा, मैनिपुलेट करना पड़ा ऐड करते समय। तो अनुकूलन की प्रक्रिया में ये दोनों चीज़ें आती हैं, एक है सिमुलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन, सिंपल बात है ये। आप किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने में इन दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कोई कह रहा मुझे नींद आने लगी, सो जाओ यार, रात का समय हो चुका है। 64% आंसर सही दे रहे हैं, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन जो है वो इस प्रक्रिया में आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अभी तो 5-6 क्वेश्चन और हैं, जिन्हें नींद आ रही हो सो जाना, ठीक है। देखो एक बार,
अगर हम बात करें पियाजे की थ्योरी में, अडेप्टेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन, यानी समायोजन, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं समायोजन में. समावेशन में क्या है, जस्ट ऐड कर लिया नई नॉलेज को प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा में. इक्विलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं आते, इक्विलिब्रेशन के अंदर अडेप्टेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, उस अडेप्टेशन के अंदर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है. एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन नहीं आएंगे साथ में, ये तो इसी के अंदर पाया जाएगा. एसिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अगेन गलत कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बताया है डिटेल में. ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बार पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है, प्याजे का ही क्वेश्चन है, ईजी है, बट अगर आपने थियोरी पढ़ी है तो पढ़िए एक बार क्वेश्चन और जवाब दीजिए. अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, अगर जीन प्याजे के अनुसार हम बात करें, इतनी मुश्किल से दोबारा एक्सरसाइज शुरू की थी, अब फिर से छोड़नी पड़ेगी, तबीयत तो एकदम ठीक नहीं है. अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन प्याजे की किस स्टेज ऑफ संज्ञानात्मक विकास, डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स, बच्चों में अरेंज करने की आइटम्स को एबिलिटी आ जाती है, सच एज आइटम्स अलोंग क्वालिटेटिव डायमेंशंस, यानी उनकी क्वालिटी के बेस पे, सच एज लेंथ, वेट, येट हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद मेंटल ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. सिंपल बात है, बच्चे में क्या आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है किस चीज की, अरेंज करने की आइटम्स को. याद करो CCS, CCS बोले तो क्लासिफिकेशन, और क्या था आपका, कंजर्वेशन और सीरिएशन. ठीक, तो क्लासिफाई और सीरिएशन वो कर लेता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में, अमूर्त चीज़ों में उसको दिक्कत आती है, क्योंकि कॉन्क्रीट, यानी कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, मूर्त चीज़ें जिनको टच और फील किया जा सकता है, उनमें वो कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है. सिंपल मतलब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की आयु है ये प्याजे के अनुसार. 60% आंसर सही है. एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम अगर नहीं होती, होता कि एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व कर लेता है तो फॉर्मल हो जाता है 11 से 15 के बीच में. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है, कॉन्क्रीट कर लेता है. कॉन्क्रीट मतलब देखो, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो चीज़ें होती हैं. कॉन्क्रीट वो जिसको आप टच कर सको, फील कर सको, मान लो ये पेन है, ये कॉन्क्रीट है. अगर मैं कहूँ लव, तो लव एब्स्ट्रैक्ट है, कहीं लिखा नहीं है दिमाग में, मतलब कोई टच करने की चीज़ नहीं है, किसी चीज़ पर लव लिखा पेपर पर और कह दिया ये लव है ना, या किसी बच्चे का नाम लव रख दिया और कहा कि लव है, वो कॉन्क्रीट हो जाएगा. ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. लव, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इन द थियोरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की, प्राइवेट स्पीच, यानी निज वाक कहते हैं या व्यक्तिगत वाक कहते हैं प्राइवेट स्पीच को, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है, बताइए बताइए. सीटेट का बैच लेना है, करियर विल ऐप डाउनलोड कर लो, अभी एडमिशन्स ओपन है आई थिंक कुछ दिनों तक. आपकी वजह से पेडागॉजी में 25 दोनों में, बहुत बढ़िया, आप लोगों की मेहनत है यार. क्लास नोट्स हिंदी में अभी तक तो नहीं आई है, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है भाई सेशन. देखो एक बार, लाइक शेयर करो यार, खुशी खुशी, मैं भूल जाती हूँ ये सारी बातें कहना क्योंकि क्लासेस आजकल कम होने लगी हैं, बट अब बढ़ा देंगे, मंडे टू फ्राइडे कर देंगे. प्राइवेट स्पीच हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ रेगुलेशन के काम आती है प्राइवेट स्पीच. अगर आपने यूट्यूब पे भी मेरी लेव वाइगोत्स्की की वीडियो देखी है या मैराथन सेशन देखा है 4 घंटे वाला, तो आपको पता होगा स्व नियंत्रण के काम आती है प्राइवेट स्पीच. प्राइवेट स्पीच क्या होती है, अरे हिमांशी वो वाला काम तो हुआ नहीं यार, वो वाला काम ना ऐसे करूंगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट ऐसे कर दूंगी, ये वाली क्लास ऐसे ले लेंगे, ये वाली बुक ऐसे कर लेंगे, खुद से बातें कर रही हूँ, दैट मीन्स खुद के ही थॉट्स को निर्देश दे रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ, रेगुलेट कर रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे. ये प्राइवेट स्पीच है, खुद से ही बोल बोल के बातें करना, सब करते हैं, है ना. इज अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस नहीं है, हिंड्रेंस तो बिल्कुल नहीं है. वाइगोत्स्की लैंग्वेज को टूल मानते हैं. ईगो सेंट्रिज्म, ये प्याजे के अनुसार होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं. डिक्रीजेस एज द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्राइवेट स्पीच हमेशा रहती है. आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन सिंपल आंसर सही था, जो कि 58% ही दे पाए. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकते हैं, किस में, अधिगम में, लर्निंग में. ठीक है, हाउ टीचर्स कैन हेल्प या असिस्ट इन लर्निंग बाय व्हाट, देखिएगा एक बार. फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, यानी सही उपयुक्त इनाम देकर के, रिवॉर्ड्स देकर के.
देखो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छा तरीका नहीं है, रिवॉर्ड्स वन ऑफ द टेक्निक्स हैं जिसको यूज किया जा सकता है, बट हमेशा रिवॉर्ड्स से अगर आप काम करवाएंगे तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगी, और वाइगोत्स्की रिवॉर्ड्स के बारे में कहीं बात नहीं कर रहे, ठीक है। गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अगेन ये भी खराब तरीका है। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, कि जो सपोर्ट आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसके नेचर में अंतर ले आइए तो बच्चा सीख जाएगा। फिर डी ऑप्शन है, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा करके, तो रट्टाफिकेशन हो जाएगी। वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें, जो लोग नए हैं मैं उनको बता भी दूं, वाइगोत्स्की क्या है, एक पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट वाइगोत्स्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें, 37 की एज में आई थिंक इनकी डेथ हो गई थी, बट ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन साइकोलॉजी, पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन व्यक्ति, जो आपका NCF है या हम बात करें नई शिक्षा नीति की भी, ये सब किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, रचनावाद को। रचनावाद का मतलब क्या है, जहाँ बच्चा एक्टिविटी करके सीख पाए, सामाजिक रचनावादी हैं। वाइगोत्स्की क्या है, सामाजिक रचनावादी हैं। ये चीज़ें ना दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जिनको पहले से आता है ना वो भी ज़्यादा चौधरी ना बनते हुए, चौधरी या पंडित से मेरा मतलब यहाँ ये है, वन हु नोज एवरीथिंग, है ना, कि हमें पता है पहले से, वो वाली सोच ना रखते हुए क्या रखना है, इस चीज़ को रिवाइज कर लेना है चुपचाप से, ठीक है। सोशियो या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है, ये मानते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट के चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी बच्चे, चिल्ड्रन कैन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, या बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। दैट मीन्स समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके बच्चे नॉलेज को एक्टिवली बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। पियाजे क्या कहेंगे, बच्चा स्वयं से एक्टिविटी करके अपनी दुनिया की समझ बना सकता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका दो, क्योंकि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी वो मानते हैं कि बच्चा नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकता है, चिल्ड्रन कैन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, राइट। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखो एक बार, तो हम कहेंगे कि बच्चे को आप सपोर्ट ठीक से दे दो, वो सीख जाएगा। टीचर्स कैसे असिस्ट करें या हेल्प करें सीखने में, बच्चे को सही से हेल्प दे करके, अपनी हेल्प की तरीके में चेंज ला करके, जैसा बच्चे को जरूरत है वैसी हेल्प दे, अपनी मनमर्जी से नहीं, है ना। कि बच्चे को दिक्कत आ रही है वाइगोत्स्की को समझने में, वो समझा रहे हैं पियाजे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार, पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स एल्स द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड। पूजा एक बच्ची है जो अपनी किसी दोस्त को कह रही है कि हमें ना क्लास रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कि शोर नहीं मचाना चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, या फिर होमवर्क पूरा करना चाहिए। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन क्या है। ममता कह रही है, हेलो दी, पहली बार लाइव देखा, बहुत बढ़िया ममता, अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, सभी का स्वागत है, पहली बार आखिरी तो किसी का ना ही हो, है ना, 10वीं बार 100वीं बार 1000वीं बार। देखो एक बार, विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड, क्योंकि टीचर हमें खेलने नहीं देंगे अगर हमने क्लास रूल्स को फॉलो नहीं किया तो। पूजा इज एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी नैतिक विकास की किस अवस्था में है पूजा। पूजा मानती क्या है कि हमें क्लास रूल्स को किस लिए फॉलो करना चाहिए, इसलिए नहीं कि क्लास में एक ऑर्डर बना रहेगा या क्लास में बच्चे सब अच्छे से सीख पाएंगे, एक व्यक्ति लॉ तोड़ेगा तो दूसरा भी लॉ तोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिंपल लॉजिक क्या है, या अच्छी बात होती है लॉज को फॉलो करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनका सिंपल लॉजिक है कि अगर क्लास रूल्स फॉलो नहीं किए तो खेलने का मौका नहीं मिलेगा। दैट मींस पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंस का पालन हो रहा है। दैट मींस आज्ञाकारिता किससे, पनिशमेंट से बचने के लिए। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास पहली ही स्टेज है, पहले ही लेवल की कोहलबर्ग की, ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, सही और गलत के प्रति कुछ सिद्धांत बनाता है समाज, जिसको हम मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है जब उसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना होता, अथॉरिटी सोशल ये सब काम ही नहीं करेंगे। सिंपल रीजन है इसके पीछे के खेलने नहीं दिया जाएगा, दैट मीन्स पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए आज्ञा का पालन कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी एक बात सही नहीं होगी, ये पूछा है।
फटाफट से उत्तर दीजिए, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ डिस्कशन में, और मुझे अच्छा ऐसे ही लगता है कि चाहे हम 20 क्वेश्चन करें, चाहे हम 15 क्वेश्चन करें या हम 50 करें, लेकिन समझ के करें, एक एक ऑप्शन को प्रॉपर एक्सप्लोर कर पाएं, उसका रीजन समझ पाएं कि चार ऑप्शन में से क्यों सही है, कौन सा सही है, क्यों होना चाहिए और कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, कि आप पेपर में उसको कैसे टारगेट करेंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट, यानी बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा विशिष्ट चीज है, किसी किसी में ही बुद्धि होती है, ऐसा मानते थे गार्डनर। फिर आईक्यू की बात कर लेते, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, यानी हम इंटेलिजेंस को क्या कर सकते हैं, परिपोषित कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड्स, कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है बजाय कि किसी एक जनरल फैक्टर के, जो कि जनरल फैक्टर की बात कौन कर रहा था, चार्ल्स स्पीयरमैन कर रहे थे जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की, या अगर एक फैक्टर की बात करें तो बिने कर रहे थे। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू अ सिंगल डोमेन, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी एक डोमेन में अगर कोई मैथ्स में अच्छे नंबर लाता है तो ही वो इंटेलिजेंट है, जो किसी और चीज़ में म्यूजिक में अच्छा है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारे देश में या बहुत सारी जगह पे अभी भी यही माना जाता है कि अगर आप साइंस परस्यू कर रहे हैं तो आप बहुत ही महान हैं, आप में बहुत ज़्यादा दिमाग है, अगर आप ह्यूमैनिटीज फॉलो कर रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं तो आप में दिमाग नहीं है, तो गार्डनर ऐसी बातों को नहीं मानते। ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जो नॉट के फेवर में है, कि हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पहला ऑप्शन सही नहीं है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड और स्टेबल ट्रेट है। ये कहते हैं इंटेलिजेंस को नर्चर किया जा सकता है, हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये फ्लेक्सिबल मानते हैं ना कि फिक्स्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20th पे, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल। देखो बाल केंद्रित का मतलब क्या, बच्चे सेंटर में, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर है ही नहीं क्लास में, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं होता, लेकिन बच्चा सेंटर में, बच्चे के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। फिर है बी ऑप्शन, द टीचर प्लेज एक्टिव रोल वाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव, बच्चों को पैसिव रखने वाली क्लास चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो सकती, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में बच्चे तो एक्टिव होंगे, निष्क्रिय नहीं हो सकते, वो बस बैठ के देखेंगे और टीचर कुछ करेगा, है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई नाटक होने वाला है जिसमें सिर्फ टीचर एक्टिव है। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव, टीचर पैसिव होगा बच्चे एक्टिव होंगे, ऐसा भी नहीं है, दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। टीचर एंड स्टूडेंट आर बोथ एक्टिव, सिंपल बात, नो बकवास, कि बच्चे और शिक्षक या शिक्षिका दोनों ही सक्रिय भूमिका में होते हैं, दोनों एक्टिविटी कर रहे होंगे, टीचर भी किसी ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, या बच्चे एक्टिव हैं उनके साथ टीचर भी एक्टिव है, उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लास कहेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि टीचर सेंटर में नहीं है तो बिल्कुल कोई टीचर की जरूरत ही नहीं है, टीचर की जरूरत है और हमेशा रहेगी, चाहे टेक्नोलॉजी आ जाए, इंटरनेट आ जाए, रोबोट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम कहेंगे टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, राइट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, चाइल्ड सेंटर्ड की वीडियो शायद लेट्स लर्न पे भी मिल जाएंगी आपको कुछ तो, और वैसे भी मैं बता देती हूँ, टीचर सेंटर्ड यानी शिक्षक केंद्रित कक्षा क्या होती है, दो तरह की क्लासेस हैं, टीचर सेंटर्ड वो क्लासरूम है जहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिव है, टीचर की ही चलेगी। चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, बाल केंद्रित, जिसकी बात जॉन डूई भी करते हैं, बाल मारिया मॉन्टेसरी भी करती हैं, फ्रेडरिक फ्रॉबेल भी करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित क्या है, जिसमें बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं। तो टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, टीचर है यहाँ पे और बच्चे कहीं यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर एक्टिव हैं, ये बैठ के सुन रहे हैं चुपचाप से, यहीं से चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है कि पीछे वाले सो गए कि जग रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो है जहाँ सब एक्टिव हैं, मान लीजिए ये तीन बच्चे बैठे हुए हैं, इनके पास भी टीचर आए, है ना, ये और तीन बच्चे बैठे हुए हैं, इनके ग्रुप में भी टीचर आए, जहाँ जरूरत हो ये आपस में बात कर रहे हैं, सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जहां जरूरत है वहां टीचर है, यानी टीचर एंड बच्चा दोनों एक्टिव हैं, बोथ आर एक्टिव, कहाँ पे, चाइल्ड सेंटर्ड में, बच्चे की इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी एज, उसके एप्टीट्यूड एटीट्यूड, इन सब के अनुसार पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी सेंटर्ड क्लास होती है चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड थोड़ी बोरिंग होती है, लेक्चर बेस्ड होती है, वन साइडेड होती है एक तरह से, एक तरफा प्यार के जैसी, है ना, कई लोगों को तुरंत ऐसे बोल दो एक बार प्यार, नींद से खुल जाती है, क्लास में मन लग जाता है उनका, खैर मजाक कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये बता देना एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ये जो PDF है इस सेशन की वो मिल जाएगी आपको लेट्स लर्न स्क्वाड पे, सेशन अच्छा लगा हो तो पोल में बता देना। इसके अलावा कल मिलेंगे हम, कल क्या है 9:30 मिलेंगे, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि सीटेट वाले बैच में क्लास नहीं होगी, क्या क्लास कल से शुरू करेंगे सीटेट वाले बैच में, मैं थोड़े नए तरीके से क्लास लेने के मूड में हूँ,
और मेरी एनर्जी थोड़ी कम है, तो वो क्लास मेरा लेसन प्लानिंग नहीं हो पा रही है, नहीं तो आज से ही क्लास शुरू होनी थी। डोंट वरी, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है सीटेट का, हो जाएगा, अपने पास टाइम है। अभी वीक में मेरी दो क्लासेस होंगी, बाकी टीचर्स की डेली हो रही होंगी। 20 में से आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बता देना। बाकी बी योर ओन कॉन्स्टेंट, अपना ध्यान रखिए, अपने साथ बने रहिए। कोई बात हो तो कमेंट्स में बता के जाइएगा। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। ये क्लास आपकी डेली चलती है 9:30 PM लेट्स लर्न पे लाइव, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे है ना, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, ठीक, रात्रि 9:30 बजे, ठीक है? चलिए फिर, इससे आपकी पेडागॉजी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आप सीटेट के किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप करियर विल ऐप कर लीजिए डाउनलोड, CW करियर विल ऐप, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, और टीचिंग सेक्शन में जाके वहाँ बैचेस में अभी एडमिशन ओपन है, सिर्फ आई थिंक सीटेट में ओपन बचे हैं या एक दो में और हो जाएंगे, तो वो आप सीटेट का बैच अवेल कर सकते हैं, जिसमें बाकी टीचर्स भी हैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी नए तरीके से हम भी तैयारी शुरू करेंगे लेट्स लर्न पे सीटेट की, डोंट वरी। अभी पहले पेडागॉजी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 99% को अच्छी लगी क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, ठीक है? यूट्यूब पर डेली चलेगी क्लास मंडे टू फ्राइडे, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है, तबे थोड़ी ऊपर।